हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों को आरबीआई से ये रजिस्टर्ड जो भी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, वो सभी एप्लीकेशंस आपके साथ क्या क्या कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्रेडिटबी, mPokket, नावी, किश्त, मनीव्यू, कैशे, स्मार्टकॉइन, ब्रांच और स्टैश। ये सारी एप्लीकेशन दोस्तों प्ले स्टोर पे उपलब्ध है और सबकी सब आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, 100% रियल एप्लीकेशन है जो कि आपको लोन प्रोवाइड करती है। और इसके बारे में हम बात करेंगे कि लोन का अगर आप लोग ड्यू रखते हैं, लोन पेमेंट नहीं कर पाते हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या आपके पास जॉब नहीं है जिसके चलते आप इसका लोन ड्यू नहीं कर पा रहे हैं, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपके साथ ये एप्लीकेशन क्या क्या कर सकती है। और अगर ये एप्लीकेशन का आप लोग को लोन नहीं लेना है और इन सभी से बचना भी है तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं KreditBee। तो यहाँ पर देखा गया है कि हर एक एप्लीकेशन के दोस्तों केस में आपको नोटिस देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, भले ही आप लोग KreditBee ले, mPokket ले लें या नावी, किश्त, मनीव्यू, कैशे, स्मार्टकॉइन, ब्रांच और स्टैश, हर केस में दोस्तों आपको यहाँ पे इन सभी एप्लीकेशन के द्वारा आपके यहाँ एक नोटिस भेजा जाता है। नोटिस ये लोग क्यों भेजते हैं? नोटिस इसलिए भेजते हैं ताकि आप लोग को डरा सके। और नोटिस की क्या सच्चाई होती है तो मैं आप लोग को सीधे बता देता हूँ कि जो नोटिस आपके पास आता है वो एज अ रिमाइंडर नोटिस आता है, वो कोई रियल नोटिस नहीं होता है। वो लोग सिर्फ आपको धमकी देते हैं कि अगर आपने पैसा पेमेंट नहीं किया तो फिर आपका जो भी हम लोग पेमेंट है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा कोई कार्रवाई आपके ऊपर नहीं हो सकता। इसमें कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे कि आपका ACS यानी कि ऑटो डेबिट का ऑप्शन भी ऑन कर दिया जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ऑटो डेबिट का ऑप्शन आप लोग कैसे बंद कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मनीव्यू ऐप हुई, कैशे ऐप है, स्टैशविन ऐप है, इन सब जगह में आपका ऑटो डेबिट का ऑप्शन भी ऑन रखा रहता है। तो ऑटो डेबिट बंद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर पैसा आपके अकाउंट में नहीं रहा तो फिर ये आपका अकाउंट जो है वो माइनस में चला जाएगा। तो इसको बंद करने के लिए आपको सीधे बैंक में जाना होगा और बैंक में एक फॉर्म लेकर आप उसको जमा कर देंगे तो आपका ऑटो डेबिट 100% दोस्तों बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एजेंट के बारे में। तो जब नोटिस के बाद भी अगर आप लोग लोन नहीं ले पाते तो फिर ये सभी एप्लीकेशन है, इसमें से लगभग एप्लीकेशन आपके घर एजेंट भेजने की धमकी देती है। और यहाँ पे KreditBee के द्वारा एजेंट दोस्तों भेजे जाते हैं, mPokket भी एजेंट भेजेगी, नावी, किश्त, मनीव्यू, कैशे, स्मार्टकॉइन, ब्रांच और स्टैश भी, सभी एप्लीकेशन के द्वारा दोस्तों आपके घर पे एजेंट भेजे जाते हैं और वो एजेंट रियल एजेंट नहीं होते। अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है तभी ये एजेंट आएंगे, लगभग आपका अमाउंट 30K के आसपास होना चाहिए, 30,000 के अगर आसपास है तभी आपके घर एजेंट आने के चांसेस है। अगर इससे कम है तो फिर चांसेस काफ़ी कम होते हैं कि आपके घर पे एजेंट आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके ऊपर कॉन्टैक्ट की कॉल की धमकी दी जा रही है, कॉन्टैक्ट कॉलिंग की जा रही है, तो उसको फिर आप लोग कैसे बंद कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट कॉल को बंद करने का एक सिंपल ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि अगर आप एप्लीकेशन का लोन नहीं दे पा रहे तो उस ऐप को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दें। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से जाके उस एप्लीकेशन को पहले अनइंस्टॉल कर दीजिए और अनइंस्टॉल करने के बाद अपनी सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट को आप लोग डिलीट कर दीजिए और फिर से उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके परमिशन से अलाउ कीजिए। इससे होगा क्या कि जो पुरानी कॉन्टैक्ट लिस्ट थी वो आपकी हट जाएगी और जो नई कॉन्टैक्ट लिस्ट है, जो कि एक फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट आप बना लीजिए या फिर कोई भी नंबर रखिए ही नहीं, वो वहाँ पे सेव हो जाएगा। तो पुरानी लिस्ट गई और नई लिस्ट आ गई जो कि एकदम ही फेक लिस्ट है। तो इस तरह से आप अपने कॉन्टैक्ट पे कॉल जाने से बिल्कुल ही रोक सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट कॉलिंग अगर ये सारी एप्लीकेशन आपके साथ कर रही हैं तो आपको सिंपली क्या करना होगा दोस्तों कि यहाँ पर आपको जो मैंने बताया है वो आप स्टेप फॉलो कीजिए, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए, अपनी सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट कर दीजिए और फिर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उस पर साइनअप कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लीगल एक्शन। तो क्या ये एप्लीकेशंस लीगल एक्शन ले सकती है? ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि ये लोग कौन सा लोन देते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है वो एक तरह का पर्सनल लोन होता है और पर्सनल लोन आता है इनसिक्योर लोन की कैटेगरी में, यानी कि अगर आप लोन इसका नहीं दे पाएंगे तो फिर आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो लीगल एक्शन की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन आपके साथ लीगल एक्शन नहीं लेगी, इसकी दोस्तों यहाँ पे गारंटी है। आज तक एक भी ऐसा केस नहीं आया जहाँ पे कि लीगल एक्शन लिया गया हो। लेकिन ये लोग लीगल एप्लीकेशन है तो एक काम कर सकती है कि आपका जो सिविल है उसको काफ़ी ज़्यादा डाउन कर देगी और सिविल अगर आपका एक बार काफ़ी ख़राब हो जाता है तो फिर अदर जगह से कभी भी आपको किसी भी तरह का लोन जल्दी नहीं मिलेगा। और साथ में अगर जॉब के लिए जाइएगा किसी कंपनी में तो वो कंपनी में आपको हायर नहीं करेगी। तो इस तरह से ये लोग आपके फ्यूचर को डैमेज कर सकते हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि इस एप्लीकेशंस का अगर आप लोगों ने लोन लिया है तो टाइमली पेमेंट कर दें, लेकिन किसी वजह से पेमेंट नहीं कर पाते तो डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई लीगल एक्शन आपके ऊपर नहीं लिया जा सकता। और सभी एप्लीकेशंस को हम ये नहीं कह सकते कि बंद होगी, लेकिन इसमें से कुछ एप्लीकेशंस ऐसी है जो कि लोगों के साथ फ्रॉड भी कर रही है, तो उन सभी के बंद होने के चांसेस है। उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट बनाने वाला हूँ, तो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दिए। नेक्स्ट मैं बताऊँगा कि इसमें से कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस है जो कि आने वाले समय में 100% बंद हो जाएगी। तो चलिए चलता हूँ, आज के इस वीडियो में मिलेंगे अगली वीडियो में।